और बेंटिन की ओमनीवर्स सीरीज के सो लॉन्ग एंड थैंक्स फॉर ऑल द स्मूदीज एपिसोड में जब बेनी लार की वजह से पूरा यूनिवर्स डिस्ट्रॉय हो गया था, तब बेन एलियन एक्स में ट्रांसफॉर्म होकर वापस से यूनिवर्स को रिक्रिएट कर देता है। एंड तब से ही बेंटिन फैंस एलियन एक्स को और भी ज्यादा पसंद करने लग गए, बिकॉज एलियन एक्स ने यहाँ पे यूनिवर्स को रिक्रिएट कर दिया। एंड एलियन एक्स को छोड़कर बेंटिन की सीरीज में हमें अभी तक ऐसा कोई भी एलियन नहीं दिखाया गया है जो यूनिवर्स को रिक्रिएट कर दे। सो यहाँ पे बेंटिन फैंस एलियन एक्स को और भी ज्यादा पसंद करने लग गए। बट जब एलियन एक्स ने यूनिवर्स को रिक्रिएट किया तो यूनिवर्स में कुछ मिस्टेक्स भी हो गई, जैसे कि बेन के पास एक न्यू हुडी आ गई एंड मिस्टर स्मूदीज का टेस्ट चेंज हो गया, और यूनिवर्स में ऐसी और भी छोटी मोटी मिस्टेक्स हो गई थी यूनिवर्स को रिक्रिएट करते वक्त। सो यहाँ पे बेंटिन फैंस से क्वेश्चन आता है कि एलियन एक्स ने यूनिवर्स को क्यों रिक्रिएट किया, जबकि एलियन एक्स टाइम भी तो रिवर्स कर सकता था, और अगर एलियन एक्स टाइम को रिवर्स कर देता तो यूनिवर्स में कोई भी मिस्टेक नहीं आती एंड यूनिवर्स जैसा पहले था वैसे ही रहता। बट इसके बावजूद भी एलियन एक्स ने यूनिवर्स को रिक्रिएट ही क्यों किया एंड टाइम को रिवर्स क्यों नहीं किया। तो आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि बेंटिन की ओमनीवर्स सीरीज के सो लॉन्ग एंड थैंक्स फॉर ऑल द स्मूदीज एपिसोड में जब बेन लार्क की वजह से पूरा यूनिवर्स डिस्ट्रॉय हुआ था, तो एलियन एक्स ने यूनिवर्स को क्यों रिक्रिएट किया। बल्कि अगर एलियन एक्स चाहता तो वो काफी इजीली टाइम को रिवर्स कर सकता था, और अगर एलियन एक्स टाइम को रिवर्स करता तो यूनिवर्स में ना किसी तरह की मिस्टेक होती एंड जिस तरह यूनिवर्स पहले था वैसे ही अभी भी होता। बट इसके बावजूद भी एलियन एक्स ने टाइम को क्यों रिवर्स नहीं किया। सो वीडियो बहुत ही ज्यादा ऑसम होने वाली है, वीडियो को एंड तक जरूर देखेगा। तो चलिए गाइस अब बिना किसी और टाइम वेस्ट किए इस ऑसम से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। और बेंटिन की ओमनीवर्स सीरीज के सो लॉन्ग एंड थैंक्स फॉर ऑल द स्मूदीज एपिसोड में बेन फेल हो गया था एनी लार्क को रोकने में, जिस वजह से जो एनी लार्क था उसने पूरे एंटायर यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय कर दिया था, जिसके बाद बेन एलियन एक्स में ट्रांसफॉर्म होकर यूनिवर्स को रिक्रिएट करता है। बट एलियन एक्स यहाँ पे टाइम को रिवर्स नहीं करता है, जबकि एलियन एक्स ऐसा कर सकता था, और अगर एलियन एक्स ऐसा करता तो काफी इजीली यूनिवर्स एनी लार्क के खतरे से भी बच जाता है एंड यूनिवर्स में किसी भी तरह की मिस्टेक्स भी नहीं होती। अब बेंटिन की ओमनीवर्स सीरीज के सो लॉन्ग एंड थैंक्स फॉर ऑल द स्मूदीज एपिसोड में एलियन एक्स ने टाइम को रिवर्स क्यों नहीं किया, इसके कुछ रीजंस हो सकते हैं एंड आज की इस वीडियो में मैं उन सभी रीजंस को आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। अभी आपके ऊपर है कि आप किस रीजन को सही मानते हैं एंड किस रीजन को गलत। सो फर्स्ट सीजन के अकॉर्डिंग जब बेंटिन की ओमनीवर्स सीरीज के सो लॉन्ग एंड थैंक्स फॉर ऑल द स्मूदीज एपिसोड में यूनिवर्स डिस्ट्रॉय हुआ था एनी लार्क की वजह से, तब एनी लार्क ने यूनिवर्स के साथ साथ टाइम और स्पेस को भी डिस्ट्रॉय कर दिया था। अब यूनिवर्स से टाइम भी डिस्ट्रॉय हो गया था, जिस वजह से एलियन एक्स टाइम को रिवर्स ना कर पाया हो एंड ना वो कर पाता, बिकॉज जब एनी लार्क ने यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय किया था तब एनी लार्क ने यूनिवर्स के साथ साथ टाइम एंड स्पेस को भी डिस्ट्रॉय कर दिया था। और अगर एनी लार्क ने टाइम को डिस्ट्रॉय कर दिया था तो टाइम को रिवर्स नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वहाँ पे टाइम एग्जिस्ट ही नहीं करता है, और अगर वहाँ पे टाइम एग्जिस्ट ही नहीं करेगा तो वहाँ पे ना टाइम पावर्स का कोई यूज है, वहाँ पे टाइम एग्जिस्ट करता है। सो वहाँ पे एलियन एक्स की जो टाइम पावर्स थी वो बेकार थी। अब मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि जो एलियन एक्स है वो बेकार है, बट वहाँ पे टाइम एग्जिस्ट ही नहीं करता है तो ऑफकोर्स एलियन एक्स की जो टाइम पावर्स थी वो उस टाइम तक बेकार हो गई थी। सो इसी वजह से जो एलियन एक्स था उसने वापस से यूनिवर्स को ही रिक्रिएट किया एंड टाइम को रिवर्स नहीं किया, क्योंकि वहाँ पे टाइम एग्जिस्ट ही नहीं करता था और ना एलियन एक्स टाइम को रिवर्स कर सकता था। सो एलियन एक्स ने यूनिवर्स को रिक्रिएट करते वक्त टाइम एंड स्पेस को भी वापस से रिक्रिएट किया था। तो हो सकता है कि इसी वजह से जो एलियन एक्स था उसने वापस से यूनिवर्स को रिक्रिएट किया हो एंड टाइम को रिवर्स ना किया हो। एंड अब सेकंड रीजन के अकॉर्डिंग, वैसे सेकंड रीजन कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि मेरे को तो फर्स्ट रीजन ही ज्यादा बेटर लग रहा है, बट फिर भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ क्योंकि ये मेरा फर्ज है। तो देखो भाई, सेकंड रीजन के अकॉर्डिंग ये हो सकता है कि जो एलियन एक्स की टाइम पावर्स है उनकी कोई एक लिमिट हो, बिकॉज यूनिवर्स का टाइम रिवर्स करने में बहुत ही ज्यादा टाइम पावर्स लगेंगी एंड बेंटिन फैंस को ऐसा लगता है कि जो एलियन एक्स उसके पास इतनी ज्यादा टाइम पावर्स नहीं है कि वो एक यूनिवर्स का टाइम रिवर्स कर दे। सो इसी वजह से एलियन एक्स ने टाइम को रिवर्स ना किया हो। अब मेरे को ऐसा नहीं लगता, बिकॉज एलियन एक्स के पास इतनी ज्यादा टाइम पावर्स होगी कि वो यूनिवर्स के टाइम को काफी इजीली रिवर्स कर सकता है। मेरे को तो फर्स्ट रीजन ही ज्यादा बेटर लग रहा है। आपको कौन सा रीजन ज्यादा बेटर लग रहा है ये मेरे को कमेंट में जरूर बताइएगा। एंड आई होप कि आप लोग की वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज गाइस अब इस वीडियो को लाइक करके अपने जैसे बेंटिन फैंस के पास शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं फिर किसी न्यू और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।